प्रतिवर्ष 19 सितंबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री डाकू की तरह बात करें दिवस दी इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 19 सितंबर को चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू हुआ है सी की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है कनाडा सरकार ने अस्थायी निवासी आगमन की संख्या कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या घटाने की घोषणा की है भारतीय रक्षा उत्पादक समिति ने अमीरात रक्षा कंपनी समिति के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की है अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने चार वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर करेगा केंद्रीय कैबिनेट के ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दी है बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड एस आई आई एम ए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में चार दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 सितंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में एन पी वात्सल्य योजना एन पी वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की है केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने 18 सितंबर को इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए 18 सितंबर से प्रचार समाप्त हुआ है थैंक यू लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब